नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्यान्यू टीवी में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की, और मैं आपके साथ विनोद कुमार। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते आई नवीन गाइडलाइन के अनुसार दतिया कलेक्टर संजय कुमार के साथ प्रेस वार्ता में उपस्थित दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर, मेडिकल कॉलेज डीन राजेश गौर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी राकेश कुरेली, जनसंपर्क अधिकारी अनूप सिंह भारती मुख्य रूप से उपस्थित रहे। संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के माध्यम से जनता को दी जानकारी एवं नवीन कलेक्ट्रेट में कलेक्टर संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने सर्व समाज वर्ग के गुरु उच्च नागरिकों की बैठक आयोजित की। बैठक में कलेक्टर ने प्रशासन की गाइडलाइन को लेकर सभी को अवगत कराया। बैठक में सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। दतिया से रजनी लिटोरिया की खास खबर। 9 बजे से ही सारी टीम्स निकल जाएगी, अभी शाम में भी मुनादी होगी। आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूँगा सभी लोगों से, इसका आवश्यक रूप से पालन करें। जो कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन होता है उसको रोकने के लिए ही ये स्टेप्स उठाए गए हैं। रात्रि का कर्फ्यू है और जो सप्ताह के अंत में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि शनिवार के दिन पहले तामरा मंदिर में 5,000 भव्य दर्शनार्थी आते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अब 2,000 रुपये उसको सीमित किया जाए, और अब क्योंकि लॉकडाउन लग जाएगा तो उसकी शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल लोकल लोग और बाहर के लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया, केवल दतिया के लोग ही दर्शन कर पाएंगे। दतिया के बाहर के लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा ही, दतिया के लोगों की संख्या को सीमित करके 2,000 रुपये दी गई। इसी प्रकार रतनगढ़ माता के नवरात्रि में जो मेला लगता है प्रतिवर्ष, प्रतिबंधित रहे। रमजान का समय भी आ रहा है, इसको लेकर भी आज शहर काजी और अन्य मुस्लिम समुदाय के जो प्रतिनिधि थे उनसे चर्चा हुई। उन्होंने पूर्ण आश्वासन शासन की के जो निर्देश है उसके हिसाब से आज ही रात से फर्स्ट टाइम नाइट कर्फ्यू सभी नगरीय क्षेत्रों में वो रहेगा, तो उसका इन्फोर्समेंट आज हम पहली बार करेंगे। अभी और कुछ निर्देश हम लोगों को मिलेगा, शाम तक एक्सपेक्टेड है, अकॉर्डिंगली सबको मिला करके करेंगे। तो आज जो पहला दिन होगा ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसके बारे में एसपी साहब बताया गया कि कैसे इन्फोर्स करेंगे। साथ में सैटरडे और संडे नेक्स्ट आने वाला एक दिन बाद जो सैटरडे है, ये दो दिन कल फ्राइडे नाइट से 10 बजे रात से मंडे को सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा, उसका भी पालन उस पर हम कल से काम करना चालू करेंगे। आज हमारी फोकस रहेगा नाइट कर्फ्यू को सफलतापूर्वक, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग फोर्स करेंगे तो उसको बिल्कुल उसका इम्पैक्ट पूरी जाए ये कोशिश करेंगे। और फिर कल पूरा दिन हम दो दिन का कंप्लीट लॉकडाउन है उसको करेंगे। कंप्लीट लॉकडाउन में जो जरूरी चीज़ों की छूट दी गई है, 1144 ऑर्डर कर दिया है, वो आपको मिलता ही होगा। ये पूरा जो उपाय है वो सरकार ने बेसिकली जो कॉन्टैक्ट का जो चेन बन रहा है उसको कम करने के लिए, ताकि जो ग्रोथ है उसको थोड़ा सा थाम लिया जाएगा।